नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है वन प्लस नोट सी टू लाइट 5G जो हाल ही में लॉन्च हुआ है अमेजोन पे। तो अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या फिर परचेस करने वाले हो, तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे, आपको तुरंत इन 20 सेटिंग्स को चेंज करना है अपने फोन में, ताकि आप काफी अच्छे से अपने फोन को यूज कर सको और आपका फोन करने का एक्सपीरियंस और काफी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। दोस्तों, इस फोन में मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हो, तो इसे ऑन करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है मोर में, आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे डबल टैप टू लॉक, आपको इसे ऑन करना है, और नीचे आना है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। दोनों को ऑन कीजिए, इसके बाद आप डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर यूज कर पाओगे अपने फोन में। स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपको अगर शो करना है, तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, स्टेटस बार में, और ये रहा बैटरी परसेंटेज, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आपको इसे भी ऑन करना है। दोनों को ऑन कीजिए, तो ऊपर में आपको बैटरी परसेंट भी शो करेगा और नेटवर्क स्पीड भी आपको शो करेगी। क्विक पैनल में आपको मिलते हैं कई सारे यूजफुल टॉगल्स, लेकिन ऐसे भी टॉगल्स है जिन्हें यहां पे इनेबल नहीं किया गया है। तो आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना है और फिर करिए ओटीजी पे लॉन्ग टैप, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसके अलावा कैमरा एक्सेस, इसे भी करिए प्लेस, और फिर माइक्रोफोन एक्सेस। अब ये तीनों जो है टॉगल्स काफी काम के हैं। अब इनका फायदा क्या है, अगर आप अपने फोन में ओटीजी को यूज करना चाहते हो, तो आपको पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ही आपके फोन में ओटीजी डिटेक्ट करेगा। अगर आपने इसे ऑन नहीं किया, तो ओटीजी काम नहीं करेगा। तो आपको इसे ऑन करना है ओटीजी को कनेक्ट करने से पहले। और फिर है माइक्रोफोन एक्सेस और कैमरा एक्सेस। तो आपको जब कभी भी अपने फोन में कैमरा एक्सेस को ऑफ करना हुआ, माइक्रोफोन एक्सेस को ऑफ करना हुआ, तो आप इन्हें दोनों को ऑफ कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐप जो होगा कैमरा और माइक को यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में कैमरा माइक यूज ही ना हो, तो आप इन्हें जब चाहे तब ऑफ कर सकते हो और जब चाहे तब इन्हें ऑन भी कर सकते हो। इस फोन को स्विच ऑफ करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना है और आपको मिलेगा पावर मेनू। आप यहां से इसे स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करके अपने फोन को स्विच ऑफ करना चाहते हो, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पे ऑन हो जाएगा गूगल असिस्टेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करूं, तो मुझे पावर मेनू दिखना चाहिए, तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में, पावर बटन में, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, आपको इस पर टैप करना है और पावर मेनू, इसे आपको ऑन करना है। इसके बाद आप पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे, तो आपको मिलेगा पावर मेनू। आप यही से अब स्विच ऑफ और स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने फोन में इन आइकन का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो। तो आपको लॉन्ग टैप करना है, आइकन्स पे टैप करना है, कस्टम पे टैप करना है। यहां से आप देखोगे आप जो शेप है आइकन का चेंज कर सकते हो। अगर आपको सर्कल रखना है, तो सर्कल करिए। इसके बाद जो आइकन की साइज है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो, आपको स्मॉलर रखना है या बिगर। इसके अलावा जो नेम है आइकन के नीचे, वो शो करना है कि नहीं करना है, आप उसे भी यहां पे ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर शो करना है, तो जो फॉन्ट साइज है वो कितनी रखनी है, आप उसे भी यहां पे एडजस्ट कर सकते हो। और फिर आपको करना है अप्लाई, तो आपके हिसाब से आपने जो शेप और साइज किया है इनेबल, उस हिसाब से यहां पे आइकन शो करेंगे। आप देख सकते हो होम पेज पे भी और ऐप ड्रॉअर में भी। इसके अलावा जो क्विक टॉगल से आप उनका शेप और जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, पर्सनलाइजेशन में, क्विक सेटिंग्स में, और आप देखोगे ये है सर्कल में, लेकिन अब आप इसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कोई भी शेप में। और इसके बाद कलर चेंज करने के लिए आपको कलर्स पे टैप करना है, और आपको जो कलर चूज करना है आप उसे चूज करिए। मैंने किया है रेड, तो रेड करने के बाद आप देखोगे जो क्विक टॉगल से वो रेड हो जाएंगे। इस तरीके से आप शेप और कलर चेंज कर सकते हो अपने क्विक टॉगल्स के। आप दो तरीके से अपने फोन में कैमरा ऐप को क्विकली लॉन्च कर सकते हो। जब आपके फोन में स्क्रीन ऑफ होगी, तो आपको वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन दोनों में से किसी भी एक बटन पे डबल प्रेस करना है और कैमरा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। इस फीचर को आपको इनेबल करने के लिए कैमरा ऐप को ओपन करना है, जाना है सेटिंग्स में, और ये जो ऑप्शन है क्विक लॉन्च, आपको इसे इनेबल करना है। इसके अलावा और एक तरीका है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में,
इसके बाद आपको ड्रो एन ओ टू ओपन कैमरा इसे ऑन करना है। अब मान लो आपके फोन की स्क्रीन ऑफ है तो आपको यहां पे ओ ड्रो करना है, इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। सेम इसी तरीके से आप टॉर्च और दूसरे जो एप्स है उनका शॉर्टकट भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आपको करना है इसे ऑन वी को, मतलब जब भी आप वी को ड्रॉ करोगे तो ऑन होगा टॉर्च। इसके अलावा एड जेस्चर में अगर आप डब्ल्यू के लिए करोगे ओपन एन ऐप, तो मैं करूंगा डब्ल्यू के लिए व्हाट्सएप, तो जब भी मैं डब्ल्यू ड्रॉ करूंगा तो व्हाट्सएप ओपन होगा। इसके अलावा एड जेस्चर में अगर एम करूंगा तो आप मान सकते हो ओपन एन ऐप, तो आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। एम के लिए मैं चाहता हूं ओपन हो जाए माय फाइल्स, तो मैं माय फाइल्स करूंगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग फंक्शंस के लिए अपने हिसाब से जेस्चर्स को ऐड कर सकते हो, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट। तो अब आप देखोगे जब मैं वी ड्रॉ करूंगा तो टॉर्च ओपन होगा, आप देख सकते हो टॉर्च ओपन हो चुका है। और अगर वापस मैं वी ड्रॉ करूंगा तो टॉर्च ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप टॉर्च को शॉर्टकट तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमने डब्ल्यू के लिए व्हाट्सएप किया है तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, हालांकि मुझे अनलॉक करना पड़ेगा फोन को। मल्टीटास्किंग और रैम मैनेजमेंट को और बेहतर करने के लिए आपको इस फोन में मिलता है रैम एक्सपेंशन का फीचर। तो जो वर्चुअल मेमोरी है आप उसे ऐड कर सकते हो। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, रैम जो है आपको उस पर टैप करना है। अब फिलहाल यहां पे रैम एक्सपांड की गई है 2GB, लेकिन अब आप चाहो तो इसे 3GB या 5GB कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करना है तो उतनी जो रैम होगी आपके फोन में एक्सपांड हो जाएगी एज अ वर्चुअल मेमोरी। लेकिन आपको याद रखना है जितनी भी आप जीबी यहां पे ऐड करोगे उतनी जीबी कम हो जाएगी आपके इंटरनल स्टोरेज में से। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जब भी आप रिसेंट एप्स को देखो इस तरीके से, तो नीचे में यहां पे शो करे कि कितनी जीबी रैम अवेलेबल है, तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको थ्री डॉट पे टैप करना है किसी भी ऐप के और जाना है मैनेज में, डिस्प्ले रैम आपको इसे ऑन करना है। अब आप देखोगे आपको नीचे मिलेगी रैम इंफॉर्मेशन कितनी जीबी अवेलेबल है और आपने जो रैम एक्सपांड किया है कितनी जीबी किया है, 2GB, 3GB या 5GB। और आप अगर सभी को क्लियर करोगे तो यहां पे रैम अपडेट हो जाएगी। तो आप देखोगे अब 2.23GB अवेलेबल रैम है। दोस्तों हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हमारे फोन में कई सारी नोटिफिकेशन एक साथ आ जाती है और फिर हमें बिना देखे उन्हें करना पड़ता है क्लियर ऑल। और बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ काम की थी नोटिफिकेशन, मुझे वापस उसे रीड करना है, तो आप उसे वापस रीड भी कर सकते हो क्लियर करने के बाद भी। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में, मोर सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में, और आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करना है पहले, इसके बाद ये फीचर ऑन करेगा। अगर आपने इसे ऑन रखा होगा तभी आपने जो भी क्लियर किए होंगे वो सभी नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिल जाएंगे, आप उन्हें यहां पर रीड कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों आप अपने फोन में फोटोज और वीडियोज दोनों के लिए वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है कैमरा ऐप में, स्वाइप डाउन करना है, सेटिंग्स पे टैप करना है, सबसे पहले मिलेगा आपको ऑप्शन वाटरमार्क, आपको इस पे टैप करना है, आपको इसे इनेबल करना है। और ये रहा ऐड वाटरमार्क टू, आपको इस पे टैप करना है और करना है फोटोज एंड वीडियोज, फोटो में भी और वीडियो में भी वाटरमार्क ऐड होगा। इसके अलावा वाटरमार्क में आपको कौन कौन सी चीजें शो करनी है आप उन्हें भी यहां पर इनेबल कर सकते हो। तो आप यहां पर अपना नेम एंटर कर सकते हो ताकि वाटरमार्क में आपका नेम शो करे। इसके अलावा शॉट ऑन वन प्लस का टैगलाइन, लोकेशन और डेट एंड टाइम, इन सभी चीजों को आप इस तरीके से शो कर सकते हो अपने फोटो और वीडियो में दोनों में। आपने अपने फोन में इस महीने में कितना मोबाइल डेटा यूज किया है अगर आपको जानना हुआ तो स्वाइप कीजिए दो बार, आपको मिलेगा यहाँ पे डेटा यूसेज। ये है मंथली यूसेज, इस महीने में आपने इतना डेटा यूज किया है। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप मंथ वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये है आज का डेटा, कौन कौन से आपने कितना डेटा यूज किया है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डे वाइज। इसके अलावा आप डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आपका मान लो डेली का जो प्लान है 2GB का है, तो आपको डेटा यूसेज लिमिट पे टैप करना है और कौन से महीने से आपका प्लान स्टार्ट होता है आपको उस मंथ की डेट यहाँ पे चूज करनी है। इसके बाद डेली डेटा यूसेज लिमिट आपको इसे इनेबल करना है, इस पर टैप करना है और आपको जीबी एमबी चूज करना है कितनी जीबी है डेली प्लान, तो 2GB। और मान लो 2GB अगर खत्म होता है तो क्या होना चाहिए, दो ऑप्शन है, एक तो केवल अलर्ट आना चाहिए या फिर अलर्ट भी आएगा और आपका जो मोबाइल डेटा होगा वो भी ऑफ हो जाएगा। तो आप जो चूज करना चाहते हो उसे चूज करिए, इस तरीके से आप जो डेली डेटा लिमिट है उसे भी सेट कर सकते हो।
और कितना यूज हुआ है इस महीने में आपको यहां पे शो करेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो जब भी आपको कोई नई नोटिफिकेशन आए तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाए तो आप ऐसा भी ऑन कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, लॉक स्क्रीन पे आपको टैप करना है और ये रहा ऑप्शन वेक स्क्रीन व्हेन अ नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपका फोन लॉक होगा फिर भी आप लॉक स्क्रीन पे बिना पासवर्ड एंटर किए क्विक पैनल को एक्सेस कर सकते हो। यहां से आप अपनी नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो बिना फोन को अनलॉक किए, मतलब कोई भी आ सकता है और इसे एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन पे इससे एक्सेस कोई ना कर पाए तो आप इसे ब्लॉक कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे बिना पासवर्ड एंटर किए आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, लॉक स्क्रीन में, और ये जो ऑप्शन है पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को लॉक करूंगा तो कोई भी आकर मेरे क्विक पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे पासवर्ड देकर तभी आप इसे यूज कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। दोस्तों अगर आपने फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो मान लो मैंने अपने फोन को लॉक किया और मैं इसे अनलॉक करूंगा फेस से, तो आप देखोगे फेस से अनलॉक तो हो चुका है लेकिन मुझे स्वाइप करना पड़ता है हर बार। बिना स्वाइप के फोन पूरी तरीके से अनलॉक होता नहीं है और आपको हर बार स्वाइप करना पड़ेगा जब भी आप अपने फेस को स्कैन करोगे। तो अगर आप चाहते हो बिना स्वाइप किए मेरा फोन अनलॉक हो जाए जब भी मैं फेस अनलॉक का यूज करूं तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फेस अनलॉक पे आपको टैप करना है, एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग इसे आपको ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे अगर मैं फेस से अनलॉक करूंगा तो मुझे अब स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, बिना स्वाइप किए ही मेरा फोन अनलॉक हो जाता है फेस अनलॉक के द्वारा। इस फोन में आप ड्यूल एप्स का भी यूज कर सकते हो, तो अगर आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दो अलग अलग अकाउंट में यूज करना हुआ तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एप्स में, ऐप लर्नर में, और आपको जिन किसी एप्स को करना हुआ ड्यूल एप्स में इनेबल आपको उसे करना है ऑन। तो इंस्टाग्राम को मैंने कर दिया है, आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हो उस क्लोन ऐप का, तो मैं करूंगा इंस्टाग्राम 2 सेव कीजिए। इस तरीके से आप व्हाट्सएप को भी ऑन कर सकते हो। तो आप जाओगे ऐप ड्रॉअर में तो आपको मिलेंगे यहां पे ड्यूल एप्स, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम 2 और व्हाट्सएप 2 और ड्यूल ऐप का आइकन होगा उस ऐप के ऊपर। इस तरीके से आप ड्यूल एप्स का यूज कर सकते हो जिसे कहते हैं ऐप क्लोनर। दोस्तों अगर आप उनमें से हो जो अपने फोन को ओवरनाइट चार्जिंग करता है, पूरी रात भर चार्जिंग करता है, तो ऐसे में आपका फोन होता है ओवर चार्ज और ऐसा करना बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको इसे प्रिवेंट करना है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में, एडवांस सेटिंग्स में, और ये रहा ऑप्शन ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, आपको इसे ऑन करना है। तो आपका फोन नाइट में काफी स्लो स्पीड से चार्ज होगा, आपका जो उठने का टाइम होगा या जो भी आपने अलार्म सेट किया होगा उस टाइम के हिसाब से आपका फोन फुल्ली चार्ज होगा उस टाइम पे ही जब आप उठते हो तब। दोस्तों आप जिन किसी ऐप्स को डेली यूज करते हो, ज्यादातर यूज करते हो, अगर आप चाहते हो वो जो ऐप से फास्ट ओपन हो, काफी स्पीड में लोड हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में, आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन रैम बूस्ट का, आपको इसे ओपन करना है और इसे ऑन करना है। इसके बाद आपके यूसेज पैटर्न के हिसाब से जो भी एप्स आप ज्यादा यूज करते हो वो काफी स्पीड में ओपन होंगे, लोड होंगे। दोस्तों आप अपने फोन में स्प्लिट व्यू का यूज कर सकते हो, मतलब एक साथ दो एप्स को यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको इसे यूज करने के लिए टैप करना है यहां पे और मिलेगा आपको ऑप्शन स्प्लिट व्यू का, आपको इस पर टैप करना है और नीचे कौन सा ऐप यूज करना है आपको इसे ओपन करना है। इस तरीके से आप दो एप्स को यूज कर सकते हो, लेकिन कई सारे एप्स ये मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम तो या स्नैपचैट में अगर चाहूं तो यहां पे स्प्लिट व्यू में इसे ओपन नहीं कर सकता। इसके अलावा इंस्टाग्राम को भी इसे ओपन नहीं कर सकता, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जो भी एप्स सपोर्ट नहीं करते स्प्लिट व्यू या मल्टी विंडो वो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन पे टैप करना है आपको, और जो बिल नंबर है आपको उस पे लगातार 7 टाइम टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपका पिन एंटर करना है, बैक आइए सेटिंग्स में और सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन सिस्टम सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शंस का, ये रहा, आपको इसे ओपन करना है और नीचे जाना है आपको। इसमें है
फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इसे भी ऑन कीजिए। और इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, इसे भी ऑन कीजिए। इन तीनों को आपको ऑन करना है। तो अब आप देखोगे जो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते वो भी एप्स मल्टी विंडो अब सपोर्ट करेंगे, जैसे कि स्नैपचैट में भी आपको मिलेगा स्प्लिट व्यू और इंस्टाग्राम में भी आपको मिलेगा स्प्लिट व्यू। इस तरीके से आप अब स्प्लिट व्यू का यूज कर सकते हो नॉन सपोर्टेड एप्स में। दोस्तों ये थी वो 20 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी। इसके बाद आप अपने फोन को काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।